वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी एस एस के पास्ट जनरल सेंसिबिलिटी की पास्ट पेपर टू थाउजेंड के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग सी एस एस टू थाउजेंड एटीन के जो एम पोर्शन है उनको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में इससे पहले हम लोगों ने टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी 2021 के इस्लामिक स्टडीज़ के और पाक स्टडीज़ जनरल सेंसिबिलिटी की पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चलिए उनको भी देख लें क्योंकि यही एम आने वाले एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रहे हैं तो चलिए आज की वीडियो इस्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज़ यूज फॉर लाइट ईयर एक एस्ट्रोनोमिकल यूनिट है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए डिस्टेंस नंबर टू द यूज़ ऑफ़ एंटीबायोटिकज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ किलिंग डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया समाइम पीपल डोंट फिनिश आल ऑफ देयर पिल्स दिस कैन रिजल्ट इन जो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं हमारे बॉडी में वो ख़त्म हो जाए लेकिन कभी कभी लोग अपनी पिल्स दवाई ववाई ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर उसके रिज़ल्ट में क्या होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी बैक्टीरिया बिकमिंग रेजिस्टेंट टू एंटी बायोटिक्स नंबर थ्री प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स किस चीज़ से बने हुए हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी पोली पैप्टाइड नंबर फोर द प्रिंसिपल यूज इन रेडार इज द सेम एज दैट ऑफ सोनार इन रेडार वी यूज रेडियो वेयर एज इन सोनार वी यूज जो रेडार में हम रेडियो वेव इस्तेमाल करते हैं सोनार में हम क्या इस्तेमाल करते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी अल्ट्रासोनिक नंबर फाइव हाउ इज डेंगू फेवर ट्रांसमिटेड डेंगू फेवर किस तरह ट्रांसमिट होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एडीज़ मॉस्किटो नंबर सिक्स द स्काई इज ब्लू बिकॉज ऑफ स्काई ब्लू है किसकी वजह से सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए रेले स्केटरिंग। नंबर सेवन साइक्लू साइक्लूस क्या है दोस्तों सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सपीरियंस कैरियोलिस इफेक्ट्स दैट रिफ्लेक्ट एयर टू द राइट इन द साउदर्न एमी स्फेयर नंबर एट रेम्बो फॉर्मेशन इज ड्यू टू रेम्बो फॉर्मेशन किस चीज की वजह से होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी रिफ्रेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाई वाटर ड्रॉपलेट्स नंबर नाइन लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इन विच ओजोन लेअर लाइज इज एटमोस्फेयर के कौन से लेयर में ओजोन लेअर पाए जाते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी स्ट्राटो स्फेयर नंबर टेन विच डिस्टेंस इज़ बिगर एन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट आर अलाइट ईयर कौन सा डिस्टेंस बड़ा है एस्ट्रोनोमिकल यूनिट या लाइट ईयर सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी लाइट ईयर नंबर टेन रोटेशन इन विच अर्थ रोटेट्स इज फ्रॉम रोटेशन अर्थ रोटेट्स करता है कहाँ से कहाँ से शुरू करता है अपना रोटेशन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए वेस्ट टू ईस्ट मग़रब से मशरक़ की तरफ। नंबर ट्वेल्व कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर आर सस्पेंडेड इन एयर कॉल्ड जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एयर में सस्पेंड होते हैं फिर क्या बनते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी क्लाउड नंबर थर्टीन हाउ मेनी कैलोरीज शुड यू ईट पर डे टू लूज वेट आपने कितने कैलोरीज इस्तेमाल करना है पर डे ताकि आपके जो वेट है वो लूज हो जाए सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी फिफ्टीन हंड्रेड नंबर फोरटीन टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड इट इज़ ओन एक्साइज इज जो ज़मीन की एक रिवोलूशन है जो अपने इर्द गिर्द खुद चक्कर लगाता है वो कितने में कवर कर लेता है ये रिवोल्यूशन कितने में कवर कर लेता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ट्वेंटी थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट्स ड्रोल इन खार इंजन इनर्जीड इन जो पेट्रोल खार um, uh, के इंजन में इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं कम्बस्शन के दौरान सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी मकैनिकल नंबर सेवेंटीन रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग है वो रिफ्लेक्टेड बैक होता है किसके जरिए सो द करेक्ट ऑप्शन इज आई नो स्फेयर दोस्तों ये दो एम्सक्यूज थोड़ा आगे पीछे हुए तो आपने इनको आपने यहाँ पर अपने इसको खुद देखना है नंबर सिक्सटीन एंटी बायोटिक्स आर यूज टू फाइट अगेंस्ट एंटी बायोटिक्स किस चीज इस्तेमाल होते हैं किसके खिलाफ सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बैक्टीरिया यानि बैक्टीरिया के खिलाफ so बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग एंटी बायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं नंबर नाइनटीन बैरोमीटर इज़ यूज फॉर मजरिंग बैरोमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को पैमेज करने के लिए सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी प्रेशर नंबर ट्वेंटी आयोनिक बॉन्ड इज बिटवीन टू एटम्स इज आयोनिक बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान होता है यहाँ पर हमारे पास सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र होते हैं इसमें शेयरिंग नहीं होता है शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड में होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र होते हैं तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो इसके बाद हम लोग मज़ीद पास्ट पेपर्स को कवर करने वाले हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह ने गेहबान